हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़, तो दोस्तों यानी कि कांच की छड़ जो है इलेक्ट्रॉन को रेशम के कपड़े में यानी कि हस्तांतरित करती है। किसको? यानी कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यानी कि हस्तांतरित करता है। ऑप्शन किस में दिया, इलेक्ट्रॉन ए में करा, प्रोटॉन नहीं होता, नहीं न्यूट्रॉन होता, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि गॉस नियम के लिए लागू होता है, ठीक है। गॉस के नियम के लिए जो लागू होता है क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ए में दिया हुआ है यानी कि फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए लंबे सीधे तार के कारण, ठीक है भाई। बी में दिया हुआ है फील्ड के लिए एक अनंत चार्ज किए गए तार के कारण, भी ठीक है। सी में दिया फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, भी ठीक है। और डी में दिया है फील्ड के लिए पूरी तरह से चार्ज किए गए वलयाकार कोशों के कारण, ठीक है। तो ये यानी कि सभी इसका यानी कि गॉस के नियम के अनुसार जो यानी कि उसका लागू होता है गॉस का नियम, ये सभी कथन इसका यानी कि सही है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्नि समांक उपयुक्त किया जाता है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों, यानी कि सजीव के लिए कह रहा है। और सजीव के लिए दोस्तों यानी कि अग्नि का जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि CO2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमांक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में दिया है जल, जल का प्रयोग नहीं करते, नहीं फोम का, नहीं शुष्क रसायन का। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, 3 SWG के व्यास की तुल्यकालिक मान कितना है। किसका कार है, यानी कि 3 SWG का कार है। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। और अगर 3 की बात किया जाए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे और यानी कि सबसे सबसे बड़ा वाला जो होगा यही इसका यानी कि आंसर होने वाला है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन में ढूंढिए, ए में कार है 3, बी में कार है 4 और सी में कार है 5 और डी में कार है 6। तो यानी कि सबसे बड़ा जो दिया है यानी कि डी में दिया है, यानी कि 6.40। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, जबकि एक में दिया हुआ है 3, ये तो कम वाला है, ठीक है। बी भी कम है और सी भी कम है। तो सबसे यानी कि जो ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि जिसका यानी कि जितना छोटा वैल्यू उतना यानी कि उसका वो ज़्यादा होगा, है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया गया है यानी कि नीचे दिया गया चित्र इनमें से कौन से संगठन का एक मानक संकेत है। यानी कि देखिए, ये जो फिगर दिया हुआ है किसको यानी कि दर्शाता है वो हमको बताना है। और ये दोस्तों यानी कि फिगर जो है मेनली रूप से यानी कि दर्शाता जो है ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। क्या है, यानी कि लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट डिपेंडेंट, ठीक है ना, लाइट डिपेंडेंट यानी कि रजिस्टर है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया हुआ है यानी कि प्रोसेट रजिस्टर, तो प्रोसेट रजिस्टर नहीं होता है, नहीं PTC थर्मिस्टर होता है, ये होता है NTC थर्मिस्टर। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है और यानी कि घटक के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो घटक है ये है आपको यानी कि एन चैनल मॉसफेट है। कौन सा चैनल है, यानी कि एन चैनल, ठीक है, एन चैनल यानी कि मॉसफेट है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है पी चैनल का। ये फिगर नहीं है, नहीं BJT का है, नहीं IGBT का है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि डैश एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदु के बीच स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाला कार्य है। तो देखिए दोस्तों, दोनों बिंदु के बीच जो यानी कि कार्य किया जाता है वो वोल्टेज होता है। क्या होता है, यानी कि वोल्टेज होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी में दिया है करंट, करंट नहीं होता है, नहीं पावर होता है, नहीं रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर DC सर्किट दोनों के लिए सही है। ठीक है, सीरीज और समानांतर दोनों के लिए सही वाला हमको बताना है। ए में कह रहा है दोस्तों एलिमेंट के अलग अलग करंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बी में कह रहा है यानी कि करंट संयोजन होते हैं। क्या कह रहा है, यानी कि करंट संयोजन होते हैं, तो ये तो नहीं होता है।
और सी में कह रहा है वोल्टेज संयोजन होते हैं, वोल्टेज संयोजन भी समान नहीं होता है, पावर संयोजन क्या होता है, दोनों में यानी कि समान होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, पावर दोस्तों, ठीक है, यानी कि पावर की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर पावर की बात किया जाए तो यानी कि श्रेणी में भी, ठीक है, यानी कि सीरीज में भी और यानी कि पैरेलल में भी, ये दोनों में यानी कि समान रहता है, क्या रहता है, यानी कि समान रहता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डी में दिया है, राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया है कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके परमाणु में, यानी कि कॉपर के, और दोस्तों कॉपर के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि 29 होता है, कितना होता है 29 यानी कि 29 होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है चार, चार नहीं होता है, नहीं 16 और नहीं ये 22 होता है, ठीक है, कॉपर का जो होता है यानी कि 29 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ एक नारंगी काला भूरा बैगनी रंग का रजिस्टर डैश होगा। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी कि नारंगी कह रहा है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ये इसको यानी कि याद करना है बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रेट वेरी गुड वाइट, ठीक है। तो देखिए यानी कि जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग यानी कि थोड़ा कॉपी में नोट करके यानी कि इसको देखिएगा बना करके, आपको तुरंत यानी कि माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यानी कि नारंगी का कार है, किसका कार है, यानी कि नारंगी का कार है, नारंगी जो आता है दोस्तों यानी कि कितना नंबर पर आता है, देखिए ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ठीक है, कितना नंबर पर आ रहा है, यानी कि चार नंबर पर आ रहा है, ठीक है, नारंगी तो चार है, यानी कि जीरो से जब स्टार्ट होता तो क्या लिखेंगे, एक कम हो जाएगा तो तीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया है, फिर यानी कि नारंगी दिया है तो फिर यानी कि तीन होगा, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, यानी कि काला दिया है, ठीक है, ब्लैक, ब्लैक यानी कि जीरो होता है तो यानी कि जीरो हो गया, क्या हो गया, यानी कि जीरो हो गया। अब यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुना का चिन्ह आता है, उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद भूरा कह रहा है, भूरा कह रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि भूरा कह रहा है, और दोस्तों यानी कि भूरा जो होता है, ठीक है ना, यानी कि भूरा जो होता है ये यानी कि ब्लैक ब्राउन यानी कि 10^1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10^1, अगर इसको अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छा से अगर लिखा जाए तो 3.3 किलो ओम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो यानी कि इसको जरूर यानी कि याद कीजिएगा बी बी रॉय ग्रेट ब्रेट वेरी गुड वाइट, ठीक है। उसके बाद यानी कि सिल्वर का यानी कि 10% प्लस माइनस 10% टॉलरेंस, जबकि सोना का जो होता है प्लस माइनस 5% होता है, और ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि एक सर्किट में 33 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, आर बराबर क्या दिया है 33 ओम, ठीक है भाई, और आई बराबर क्या दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो भी हमसे पूछ रहा है, तो दोस्तों भी बराबर जो होता है यानी कि आई और इनटू में यानी कि आर होता है, भी बराबर आई आर होता है, तो आई का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ठीक है, देखिए आई का वैल्यू यानी कि 2 दिया हुआ है और आर का वैल्यू यानी कि 33 दिया हुआ है, अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी कि 36 वोल्ट होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यानी कि 6.5 वोल्ट, ये तो कम है 33 वोल्ट नहीं होगा, ये जो होगा दोस्तों यानी कि 66 वोल्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्युमिनियम कंडक्टर का वजन डैश होता है, ठीक है, यानी कि कॉपर का, ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम कॉपर और एल्युमिनियम का यानी कि कंपेरिजन करना है। देखिए इस दोनों को अगर कंपेरिजन किया जाए तो कोई कोई एग्जाम में आपको यानी कि कभी कहीं यानी कि 50% इस दोनों की अपेक्षा क्या होता है यानी कि हल्का होता है ये रहेगा, और कहीं कहीं यानी कि 60% रहता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे TET2 का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे कितना यानी कि 60% करना है, ठीक है ना, और अगर टेक्निकल हेल्पर या और को टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम अगर देना है और दे रहे हैं तो वहाँ पे जो अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे 50% मारिएगा तब आपको एक नंबर मिलेगा, ये यानी कि TTH में, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर में, और ये जो आपको नंबर मिलेगा यानी कि UPPCL और TG2 के लिए, ठीक है। तो यानी कि TG2 में अगर क्वेश्चन आए तो 60% मारना है, और अगर टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम दे रहे तो वहाँ पे यानी कि 50% मारना है, ठीक है। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि किरचॉप्स के करंट के नियम के अनुसार एक यानी कि सुमहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणित योग डैश होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि किसके कह रहा है यानी कि किरचॉप्स का, जब भी किरचॉप्स का नियम आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और जीरो होगा जो कि ऑप्शन किस में दिया है, जीरो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है शून्य, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बी में दिया है यूनिटी, यूनिटी नहीं होता है, नहीं अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि किसी कंडक्टर में डैश की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए यानी कि ऊष्मा की बात कर रहा है यानी कि हीट का, ठीक है, यानी कि हीट। और देखिए दोस्तों यानी कि अगर हीट की बात किया जाए तो हीट जो होता है, ठीक है, यानी कि हीट जो होता है दोस्तों ये यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस के गुजरने से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है रेजिस्टेंस। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जबकि ए में दिया है रिएक्टेंस, रिएक्टेंस नहीं होगा, नहीं इंपीडेंस होगा, नहीं कैपेसिटेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर डैश होता है। किसमें कह रहा है यानी कि वेरिएबल में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि वेरिएबल में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, वेरिएबल में जो दोस्तों यानी कि इस्तेमाल किया जाता है एयर का उपयोग किया जाता है, किसका, वेरिएबल में एयर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जबकि ए में कह रहा है यानी कि प्रोपाइलिन, तो इसका प्रयोग नहीं करते, नहीं यानी कि सेरामिक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी कैपेसिटर के समानांतर प्लेटों का अलगाव आधा बट गया है तब इसका धारित्व डैश होगा, ठीक है। अगर आधा अगर बात यानी कि बट गया है तो इसका धारित्व की अगर बात किया जाए तो ये जो होता है दोस्तों यानी कि दो गुना हो जाता है, क्या होता है, दो गुना हो जाता है। अगर वो आधा होगा तो दो गुना, अगर ये दो गुना होगा तो वो चार गुना हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा तीन सिरेमिक के कैपेसिटर के ढाकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक है। तो देखिए यानी कि ढाकता हुआ के रूप में कह रहा है और इसके रूप में जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इस रूप में जो प्रयोग किया जाता है बैरियम, ठीक है, बैरियम टाइटेनेट का प्रयोग करते हैं, किसका, बैरियम टाइटेनेट का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट और 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगा। देखिए भी बराबर क्या है यानी कि 10 दिया हुआ है और उसके बाद जो दिया हुआ है दोस्तों क्या दिया हुआ है यानी कि क्यू बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यू बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया है 0.24 दिया है, तो निकालना क्या है सी बराबर, तो सी बराबर क्या होता है क्यू बटा यानी कि भी होता है। तो Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू 0.24 है और वहीं पे यानी कि V का वैल्यू कितना है तो 10 है। चलिए इसको अगर भागा देते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा यानी कि 1000 हो जाएगा, 1000 को यानी कि 24 अगर भाग दीजिएगा तो आंसर जो आएगा दोस्तों 0.024 आ जाएगा, ठीक है। ये भी यानी कि फैराडे होगा, ऑप्शन किस में दिया है 0.024 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है 0.12 नहीं होगा और नहीं 0.6 होगा और नहीं 0.8 फैराड होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि यदि 10 माइक्रोफैराड के तीन कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता का मान क्या है। देखिए कैपेसिटर में कह रहा और भी श्रेणी में, और देखिए दोस्तों अगर कैपेसिटर की बात करें और श्रेणी में तो श्रेणी का यानी क्या करना है यानी कि उल्टा कर देना है जो समानांतर में होता है। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा 1/10 और प्लस में 1/10 और प्लस में 1/10 और बराबर में क्या हो जाएगा 3/10। इसको पलट दीजिए, सी का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा यानी कि 10/3 यानी कि 3, तो बराबर में 3.33 यानी कि फैराडे होगा। ऑप्शन किस में दिया है 3.33 फैराडे, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 0.3 माइक्रोफैराडे, तो माइक्रोफैराडे तो होगा नहीं, ठीक है, सॉरी यानी कि 0.3 माइक्रोफैराडे तो होगा नहीं 1.33 माइक्रोफैराडे होगा नहीं 1.66 माइक्रोफैराडे होगा, ये जो होगा 3.33 माइक्रोफैराडे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, यानी कि किसका कह रहा है दोस्तों यानी कि सूखा सेल का, ठीक है, यानी कि सूखा सेल का। और देखिए सूखा सेल की अगर वोल्टेज की बात किया जाए, ठीक है, यानी कि वोल्टेज की बात किया जाए तो सूखा सेल का जो वोल्टेज होता है दोस्तों 1.5 वोल्ट होता है यानी कि 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, जो कि ऑप्शन नंबर
ए में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझो होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।